ऑनलाइन ट्रेंडिंग बंद करे सरकार, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन। खबर गोंडा से आ रही है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोंडा ने जिला अध्यक्ष राम सिंह के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। नगर अध्यक्ष आदित्य पाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कंशल के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। महामंत्री राजेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग से 7 करोड़ व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है, इसलिए भारत सरकार से हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग के लिए नए लाइसेंस ना दिए जाएं, ऑनलाइन ट्रेंडिंग पर 20% अतिरिक्त विकास कर लगाया जाए, FDI पर अंकुश लगाया जाए। कार्यकारी जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह व जिला महामंत्री जितेश सिंगल ने ज्ञापन सौंपने से पहले विस्तार से ऑनलाइन ट्रेंडिंग से खुदरा व्यापारियों को होने वाले नुकसान से अवगत कराया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मसूद अहमद, शमशी, संतोष सोनी आदि कई लोग मौजूद रहे। आज आप लोग यहाँ किस काम से आए थे? यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? आज हम लोग उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बनवारी लाल कंशल जी के दिशा निर्देशन में उनके आह्वान से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उससे हमारे 7 करोड़ व्यापारी बहुत प्रभावित हैं। उनका व्यापार समय समय घट रहा है, बिल्कुल चौपट होता जा रहा है। इस विषय में उनके दिशा निर्देशन में आज हम लोग ये मांग लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो 7 करोड़ हमारे खुदरा व्यापारी है, उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए जो बेरोजगारी का माहौल है इस समय पूरे देश में, किसी तरीके से लोग अपना परिवार पाल रहे हैं, ऐसे में उनको भी जिंदा रहने का थोड़ा सा उनको। तो यहाँ पर आप लोग किससे मिले और क्या ज्ञापन दिया गया? आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और उनसे संबोधित प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद किया जाए और जो नए जो आवेदन आवे उनको आवेदन न दिया जाए, उनको लाइसेंस न दिया जाए। तीसरी मांग ये है जो पहले से जिनका आवेदन चल रहा है, जिनको परमिशन दी गई है, उन पर 20% का अतिरिक्त कार विकास कर के नाम पे लगाया जाए, जिससे कि खुदरा दुकानदारों को नुकसान ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को भी वो रोजी रोटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, खुदरा व्यापारियों की समस्या को ध्यान रखते हुए इस बात का संज्ञान लेंगे और इसकी समस्या समाधान करेंगे।